चार सीटों पर वोटिंग हुई और चार सीटों में कुल मिलाकर 38 उम्मीदवारों का भाग्य वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया। किसको जनता का आशीर्वाद मिला और किसे जनता ने नकार दिया, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले सभी दलों ने अपनी अपनी बातें रखी है सामने। ...2024 चुनाव के पहले दौर में किसका जोर चलेगा, किसकी हवा बही, कौन किस पर भारी है, अब ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के रण से जो तस्वीर सामने आई, जो दावे वादे हुए, उससे ये साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई, वोटर्स ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया और इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों का दौर। बीजेपी कहती है लालटेन बुझ गया है, अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे, चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। तो चिराग पासवान दावा करते हैं कि हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 400 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफी बड़ा रहेगा। आरजेडी का दावा है कि लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है। चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चिंत है चारों सीट आज कर जीते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि जनता गोलबंद होकर इंडिया अलायंस को जिता रही है। सारा लोग गोलबंद होके महागठबंधन को वोट कर रहा है। बीजेपी का सफाया हो जाएगा एक बार फिर से। बीजेपी का सफाया हो चुका। वोटर्स ने अपना रिजल्ट तो सुना दिया, नेता जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चुनाव में जीत के दावे की सियासत को समझिए। बिहार में पहले फेज की वोटिंग हुई। बिहार में कुल मिलाकर 7 फेज में चुनाव है, यानी अभी 6 फेज में मतदान बाकी है। नेता जानबूझकर जीत के दावे करते हैं ताकि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े और लोगों का झुकाव उनकी तरफ हो, और इसीलिए अपने वादों को बार बार गिनवाया जाता है।